नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित और इस वक्त अपनी टीम के साथ मैं आ पहुंचा हूं जूनागढ़ में। ये जूनागढ़ की वो गुफा है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। बताने वाले बताते हैं कि ये गुफा तकरीबन तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी है और ये कोई भी बनावटी किस्म की गुफा नहीं है, ये प्राकृतिक गुफा है। और मैं आज कोशिश करूंगा इस गुफा के अंदर जाने की अपने टीम के साथ। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इस गुफा के अंदर का नजारा। हालांकि डर भी लग रहा है क्योंकि यहां बताने वाले बताते हैं कि यहाँ पे बड़े ही भयानक किस्म के जो सांप हैं, पुराने तकरीबन 100 साल पुराने सांप इस गुफा के अंदर हैं, जंगली जानवर हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं निकांत, हेमंत और जतिन भाई, जो कि इस वक्त खुद वीडियो बना रहे हैं। तो आइए एक बार इस गुफा के अंदर चलते हैं। आइए जतिन भाई जी। सर, इसमें बताते हैं लोग कि तकरीबन 300 मीटर तक आपको ऐसे ही बैठ के और जाना पड़ेगा। 300 मीटर के बाद ये पूरी गुफा एक 8 लेन हाईवे, यानी जो 8 लेन 6 लेन का जो हाईवे होता है, जैसे नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे है, उतनी चौड़ी हो जाती है ये गुफा। और 60 किलोमीटर तक सासनगीर जगह है, ये सासनगीर का जंगल है। हम इस गुफा के ठीक ऊपर बालेश्वर महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। तो बताते हैं लोग कि यहाँ पे ये गुफा सासनगीर से 60 किलोमीटर जूनागढ़ तक ऐसे ही जाती है ये गुफा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आता है ताकि मुझे रोशनी भी मिलती रहे, ताकि आगे कोई नाग देवता मिले तो उनसे बचने का उपाय रहे हमारे पास। और ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, सतह पे ऊपर चिपके हो अगर कुछ लोग तो। ये गुफा है, आपको एक बार दिखाते हैं आगे। हालांकि उजाला बहुत नहीं, मैं भी अपने मोबाइल का टॉर्च जला देता हूं। इस वक्त हम तैयारी के साथ नहीं आए हैं चूंकि, तो उतना थोड़ी मुश्किल है यहां पे इस गुफा में। और ऑक्सीजन की बहुत कमी है इस गुफा के अंदर। देखिए आपको ये दिखाते हैं, थोड़ा सा पानी भी रिस रहा है, पानी है ये, पानी भी रिस रहा है कहीं से इसमें गुफा के अंदर। ऊपर सब जगह पानी की बूंदे हैं और ऊपर में भी दिखाते हैं कहीं कहीं पानी की बूंदे हैं इसके अंदर। शंकु भाई पकड़ो। देखिए एक बार मैं कहूंगा मोबाइल को पास लाए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पानी है, यहां से गिर रहा है ऊपर से। देखिए ये पानी है, यहां से टपक रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरात सरकार रण को प्रोजेक्ट करती है कि रण नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात सरकार इस जगह को प्रमोट क्यों नहीं करती है। इतनी बेहतरीन जगह है, अगर आज डिस्कवरी वालों को मिल जाए या नेशनल ज्योग्राफी वालों को मिल जाए तो वो करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे इस 60 किलोमीटर की जो गुफा का रहस्य है वो खोजने के लिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अगर इसको प्रोजेक्ट करती तो ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाती, यहां के लोगों को रोजगार मिल जाता। थोड़ा और आगे बढ़ूंगा मैं इस गुफा में, हालांकि मैं 60 किलोमीटर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि देख सकते हैं मैं बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में हूं, ना मेरे पैरों में जूते हैं लॉन्ग वाले, ना हमारे पास टॉर्च है, ना ऑक्सीजन है, ना लकड़ियां हैं, ना मशाल है, ना खाने का कुछ सामान है। हम ऐसे ही तफरी करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब ये गुफा देखी हमने तो थोड़ा सा रोमांच पैदा हुआ। और चूंकि पत्रकार हूं तो रोमांचक चीजों में ज्यादा यकीन रखता हूं मैं। हल्का सा और आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ आइए जरा सा और देखते हैं थोड़ा सा इसमें। टॉर्च लाइट शुरू रखिए।
ध्यान से चलिए। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये एक जानवर होता है जिसको साही बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में शाही बोला जाता है, सीही भी कहते हैं। छोटा जानवर होता है, उसके शरीर पे बड़े बड़े कांटे होते हैं, ये उसी का कांटा है, ये शाही का कांटा है। मत छुइए इसको, धस जाएगा तो जहरीला होता है। ये शाही का कांटा है, यानी कि इस गुफा में हैं जंगली जानवर हैं, इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं हमको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लाइट नहीं है पीछे, चलिए। इसमें लाइट नहीं, इसमें अब जो आगे का रास्ता है वो इसके अंदर से होकर जाना पड़ेगा, तो अभी हम नहीं जाएंगे ज्यादा आगे। फिलहाल हम 3 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं, 3 किलोमीटर इस गुफा के अंदर, और 3 किलोमीटर से ज्यादा आप जाना हमारी कैपेसिटी के बाहर की बात है, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है हम लोगों को, इसलिए अब भी मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन बहुत जल्द हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे सासन गिर की इन गुफाओं में जूनागढ़ की, और हम आपको इसका एक एक पहलू दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।